केदारनाथ महादेव का धाम सदियों से हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के संगम पर केदार घाटी में स्थित यह प्राचीन मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ ही चार धाम और पंच केदार में से भी एक है। कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जनमेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जानते हैं केदारनाथ धाम की रोचक कथा के बारे में। केदारनाथ धाम की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्राता हत्या और गुरु हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए पांडव भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर उन्हें वहां नहीं मिले। पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे भगवान शंकर जी का पीछा करते करते केदार पहुंच गए। शंकर जी ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के झुंड में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर अपने पैर को फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों के दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदार में पूजे जाने लगे। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों स्थान सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि केदारनाथ धाम में जो तीर्थयात्री जाते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।